बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुरगांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाली प्रॉपर्टी बेसिकली सेक्टर 48 में विपुल बिल्डअप है। ये 2012 की कंस्ट्रक्शन है, लमसम 12 साल पुराना है ये। और ये आप देख पा रहे होगे, ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन। इसमें ग्राउंड है, फर्स्ट सेकेंड है। और जो साइज़ है, प्लॉट साइज़ ये है 293 स्क्वायर प्लॉट साइज़, लमसम 300 गज का प्लॉट साइज़ है। और ये आपका 1700 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। और इसमें बीच का फ्लोर मिल जाएगा आपको, 18 मीटर रोड पे है, नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग मिलेगी आपको, जैसे आप देख सकते हो ये फ्लोर वाइज एक ही गाड़ी की पार्किंग मिलेगी वहाँ पे आपको। आराम से तीन गाड़ी यहाँ पे लगी हुई है, जो कि आप देख पा रहे होगे। 18 मीटर रोड पे 60 फुट की रोड है, वो भी गोइंग टू दी हाउस, देख सकते हो। रोड भी काफ़ी वाइड है। और ये हो गया इसका स्टेयर केस ऊपर जाने के लिए, फर्स्ट क्लास है, वेल मेंटेन्ड है। ये पूरा स्टेयर केस है जो दिखाऊंगा मैं आपको। जैसे ग्राउंड है और ये फर्स्ट है, इसके ऊपर वाला है। छत जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे कॉमन रहेगा तीनों का। इन्होंने जैसे आपको फर्स्ट फ्लोर वाले का ये देंगे, सेकंड वाले का ये रहेगा, थर्ड वाले का ये रहेगा। सिंटेक्स यहाँ लगी हुई है फर्स्ट क्लास, बड़ी छत हो गया फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू फ्लोर एरिया, वेलकम बैक टू माय चैनल, सूरज गुरगांव ड्रीम ब्लॉग्स। ये फ्लोर है फ्रेंड्स, और इंडिपेंडेंट फ्लोर है, फ्री होल प्रॉपर्टी है। और सामने पेरोड भी लगी हुई, जो कि आप देख पा रहे हो। फर्स्ट क्लास लोकेशन है, यहाँ पे स्टील का गेट भी दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो, है ना। और इसमें ये जो फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है, जो फ्लैट पेंट्री करते हैं वो भी नॉर्थ फेसिंग है। लमसम 1800 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। मूविंग ऑन टू फ्लोर एरिया, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुरगांव ड्रीम ब्लॉग्स। सेक्टर 48 में नॉर्थ फेसिंग प्रॉपर्टी है। जैसे एंट्री करोगे, ये भी नॉर्थ फेसिंग है, जो ये इसका बैल्कनी हो गया, फ्रंट बैल्कनी। और तीन कमरा है, 1700 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है। और ये आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्लास है। फ्लोरिंग की बात करूँ, सारे में आपका टाइल्स का काम किया गया, सेरामिक वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई, जो कि आप देख पा रहे हो। और यहाँ से मैं अभी जैसे आपको एंट्री करा था, और यहाँ पे वुडन गेट लगी हुई है, और स्टील की गेट भी दी हुई है। लमसम 1700 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया, 292 स्क्वायर प्लॉट साइज है ये। और एक सर्वेंट रूम बना हुआ है, इसमें बाथरूम भी दी हुई है। और एक रूम में आप यहाँ पे इनको आप दे सकते हो, फर्स्ट क्लास है ये। और ये इसका ड्राइंग रूम डाइनिंग है। यहाँ देखिए आप, 3+2+2, मतलब लमसम 7 सीटर सोफा लगा हुआ है, फ्रंट बालकनी आ गई, और फर्स्ट क्लास है लेआउट। और यहाँ पे डाइनिंग टेबल भी लगी हुई है, जो कि आप देख सकते हो ये। और ये फर्स्ट बेडरूम है, फर्स्ट बेडरूम अटैच, फर्स्ट रूम कॉमन वाशरूम, सेकेंड बेडरूम से कॉमन है, और थर्ड बेडरूम से अटैच। तीन कमरे इधर आ गए, एक किचन आ गया। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द किचन एरिया। किचन की बात करो फ्रेंड्स, इसमें काम करा गया है सारे में टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होगे। और मॉडर्न किचन बनी हुई है, फर्स्ट क्लास है। यहाँ पे आपको एलिका का हॉब और एलिका की चिमनी दोनों दी हुई है, जो कि आप देख सकते हैं। और ये भी आगे की, ये भी आपको जो पीछे की बालकनी से हो रहा है कनेक्ट। यहाँ पे आरओ सिंक सब दिया हुआ है, फर्स्ट क्लास, जो कि आप देख पा रहे होगे, फर्स्ट क्लास ये। और इस प्लेटफॉर्म पे काम किया गया है, ग्रेनाइट लगी हुई है। यहाँ पे फ्रिज का प्रोविज़न भी दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। मैं आपको पीछे की बालकनी दिखा देता हूँ एक बड़ी, ये आप देख लो। यहाँ पे ये इसका वेट एरिया है, यहाँ भी सिंक है, अब आराम से बर्तन यहाँ भी धुलवा सकते हैं, फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे गैस दी हुई है, और ये इसका बालकनी का पार्ट हो गया। और ये ड्राइंग रूम डाइनिंग का फील है। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट बेडरूम, और ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। वार्डरोब इधर दी हुई है, और ये आपको बैक साइड की बालकनी आ गई। और यहाँ पे किंग साइज़ की बेड भी दी हुई, एसी नीचे लगा हुआ, विंडो एसी, जो कि आप देख सकते हो, फर्स्ट क्लास है। और ये भी जो कनेक्ट हो रहा है, इसे अटैच वॉशरूम हो गया। वॉशरूम की बात करूँ तो फिटिंग्स जितने भी हैं, चूँकि कमोड सब सारा नया ही लगा हुआ है। ये इसका वैनिटी है वॉश बेसिन के साथ, कॉपर की ब्रास की आपको टैप मिल रही है। इसमें गीजर भी लगा के दे रहे हैं, फर्स्ट क्लास ये।
और अटैच वॉशरूम हो गया, और यहाँ वार्डरोब भी दी हुई फर्स्ट क्लास, ये आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास वार्डरोब आ गया। और ये जो है पीछे की बालकनी से हो रहा था ना, ये देखो फर्स्ट क्लास ग्रीन एकदम। यहाँ पे नीम का पेड़ भी दिया हुआ है, अच्छी ऑक्सीजन आएगी आपको यहाँ पे। और ये पीछे का स्पेस है जो इन्होंने आपको यहाँ पे सीट डाल दिया है, फर्स्ट क्लास है जो कि आप देख पा रहे होंगे। मूविंग ऑन टू सेकेंड बेडरूम, और ये इसका हो गया सेकेंड बेडरूम। क्वीन साइज की बेड लगी हुई है इसमें, और ये जो है ये भी आपका विंडो सी इधर लगा हुआ है, और यहाँ से भी पीछे की बालकनी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड बेडरूम की एक्सेस आप इस बालकनी से कर सकते हो, क्योंकि अभी लॉक है और इनका चेयर भी यहाँ रखा हुआ है, तो लेआउट आप समझ लो क्या। यहाँ पे इसमें आपको वार्डरोब भी मिल रही है, बेड यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ आप चाहेंगे तो टीवी भी लग जाएगी, और एक कॉमन वॉशरूम है ये देखिए। थर्ड बेडरूम, जिसका तीसरा बेडरूम हो गया। फ्लोरिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, इसमें भी काम करा गया है टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होगे फर्स्ट क्लास है। और यहाँ पे इस तरह का आपकी वार्डरोब दी हुई है, यहाँ पे किंग साइज का बेड है फर्स्ट क्लास। ये मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ, ये देखिए आप थोड़ा इससे पता लगेगा आपको। ये थर्ड बेडरूम हो गया, एसी भी इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए आप वार्डरोब भी बनी हुई है फर्स्ट क्लास। और इससे अटैच वॉशरूम हो गया, ये बड़ा वॉशरूम है, ये आप देख पा रहे होंगे। और ये जो है थर्ड बेडरूम, ये भी फ्रंट बालकनी से हो रहा है कनेक्ट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ड्राइंग कम डाइनिंग से, आप देख लीजिए थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। तो जो आपने देखा था अभी थर्ड बेडरूम, उससे भी फ्रंट बालकनी का एक्सेस कर सकते हो आप, मैं दिखा देता हूँ एक बारी। और यह कर्टन हटाओगे तो सारे में ग्लास का काम किया गया है इधर, ये आप देख लो फ्रंट बालकनी हो गया। ये थर्ड बेडरूम था जो गेट मैंने दिखाया था आपको, थर्ड बेडरूम से ये गेट है, ये एक्सेस कर सकते हो फ्रंट बालकनी से, बालकनी भी काफ़ी वाइड है। आपको अच्छा लगे वीडियो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, प्राइस के लिए प्लीज़ अकाउंट भी डिस्क्रिप्शन में वहाँ में डाल दूँगा, कहने वैसे अकाउंट भी कर लूँगा। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।